दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे हाई सेंस की फुल एचडी सीरीज के बारे में जो इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली, तो आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे और बताएंगे स्पेसिफिकेशन सारे डिटेल्स। और वीडियो के एंड में आप समझ पाओगे क्या आपको टीवी लेनी चाहिए या नहीं, या फिर दूसरे ब्रांड का टीवी लेना चाहिए। तो ये सब होने वाला है इस वीडियो में। और इसी के साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, आप क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं, ये क्विज कॉन्टेस्ट क्या है वीडियो आप आगे देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंटरा शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों हाईसेंस की फुल एचडी टीवी सीरीज को समझने के पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि हाईसेंस ब्रांड कौन सा है, या फिर काफी लोग ने पहली बार इस ब्रांड का नाम सुना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हाईसेंस ब्रांड है एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर ब्रांड है, काफी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाता है। इसके काफी एसी ले लो, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ये सब बाकी मतलब कंट्रीज में बहुत ही पॉपुलर थे और स्पेशली चाइना में तो एकदम धमाल मचा रखा है। अब वो फाइनली इंडिया में उसकी टीवी लॉन्च करने वाला है, तो एज अ ब्रांड वाइज काफी अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ पे जो उसका जो चाइना से रिलेशन है वो हटा दे तो ब्रांड वाइज बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स देता है। तो अब यहाँ पे बात करें इसके फुल एचडी सीरीज के बारे में, इसकी ऑलरेडी 4K सीरीज भी लॉन्च होने वाली है 6 अगस्त को। उसका मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया, ऊपर लिंक कर दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करें इसके फुल एचडी सीरीज के बारे में, तो यहाँ पे फुल एचडी सीरीज में उन्होंने 2 वेरिएंट लॉन्च किए, एक 40 इंच का और एक 43 इंच का। और इसकी एक एचडी रेडी सीरीज भी है जिसमें आपको एक ही वेरिएंट देखने मिलेगा जो है 32 इंच का। तो बेसिकली एचडी रेडी टीवी और फुल एचडी टीवी में खाली रेजोल्यूशन का फर्क है, बाकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन सब कुछ सेम ही है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे पिक्चर टेक्नोलॉजी और पैनल के बारे में। तो ये टीवी आती है VA पैनल के साथ, इसी के साथ ही साथ यहाँ पे डायरेक्ट LED बैकलाइटिंग सोर्स टेक्नोलॉजी आपको देखने मिल जाएगी। इसी के साथ ही साथ 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट आपको टीवी में देखने मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें इसके कलर एनहांसर के बारे में, तो यहाँ पे हाईसेंस उसे कहता है नेचुरल कलर एनहांसर, जिसके थ्रू कलर्स आपको काफी नेचुरल और वाइब्रेंट दिखेंगे इसी टेक्नोलॉजी के अंडर। और इसी के साथ ही साथ बात करें साउंड आउटपुट के बारे में, तो यहाँ पे तीनों ही टीवी में आपको 24 वॉट के साउंड आउटपुट देखने मिल जाएंगे। बात करें साउंड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पे आपको डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट देखने मिल जाएगा। और जहां तक सवाल है टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ये टीवी आती है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, 9.5 वाला वर्जन दिया गया है। और बात करें इंटरनल स्टोरेज रैम के बारे में, तो यहाँ पे आपको 1GB का रैम और 8GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से काफी कम है, एक्चुअली में 1GB का रैम बहुत ही ज्यादा कम है। और इसी के साथ ही इंटरनल स्टोरेज जो 8GB का दिया है उसको आप एक्सपांड कर सकते हो, लेकिन आप रैम को एक्सपांड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको गेम्स और एप्स जो होंगे बहुत ही ध्यान से इंस्टॉल करने होंगे कि आपका जो स्टोरेज है वो फुल ना हो। इसी के साथ ही यहाँ पे बात करें कनेक्टिविटी के बारे में, तो इस टीवी में आपको 2 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे। 2 HDMI पोर्ट में से उसमें से एक पोर्ट आर्क पोर्ट है, तो जिसके थ्रू आप होम थिएटर और साउंड बार वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ ही आपको 3.5mm का जैक देखने मिल जाएगा, SPDF पोर्ट देखने मिल जाएंगे, इथरनेट का पोर्ट देखने मिल जाएगा। तो जितने भी टीवी में रिक्वायर्ड पोर्ट्स होते हैं आपको सभी पोर्ट्स इस टीवी में देखने मिल जाएंगे। और जहां तक सवाल है टीवी के प्रोसेसर के बारे में, तो ये टीवी आती है क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ और जो GPU दिया गया है Mali 470MP दिया गया है। दोस्तों बात करें यहां पे टीवी के स्मार्ट कैपेबिलिटीज के बारे में, तो ये टीवी में आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, वॉइस एनेबल्ड रिमोट भी देखने मिल जाएगा। आप लोग अगर सोच रहे हो कि भाई टीवी आपके पास नहीं है बट रिमोट आ गया, तो भाई हाँ मेरे पास रिमोट तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे आप खाली देखोगे तो ब्रांडिंग वीओ की है। आपको सेम रिमोट मिलने वाला है हाईसेंस की टीवी में, लेकिन यहाँ पे जो ब्रांडिंग है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हाईसेंस लिखा होगा। बाकी ओवरऑल जो टीवी का जो रिमोट है, जितने बटन है, सब कुछ आपको देखने मिल जाएगा सेम टू सेम। खाली जो हॉटस्टार है ये यहाँ पे लिखा रहेगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार, क्योंकि अभी वो नाम चेंज हो गया है। तो ये रिमोट आपको टीवी में देखने मिलेगा, तो मतलब ये स्पेसिफिकेशन लगभग व्यू के टीवी से मिलते जुलते हैं, 99% बोल सकते हो सेम ही है। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी कंटेंट प्रोवाइडर है डेडिकेटेड कीज भी आपको उसी रिमोट में देखने मिलेंगे हाईसेंस की टीवी में, जो आपको व्यू की टीवी में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब, जितने भी पॉपुलर एप्स है आपको सभी इस टीवी में प्रिंस्टॉल देखने भी मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर इसको मैं स्पेसिफिकली अगर व्यू सिनेमा टीवी से कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे मुझे एक ही चीज डिफरेंस नजर आती है कि वहां पे वो टीवी आती है IPS पैनल के साथ और एक साउंड आउटपुट जो है वो वहां पे 40 वॉट का देखने मिल जाएगा, तो वो टीवी भी काफी अच्छी है। और इसी के साथ ही साथ अगर इसकी व्यू की एक और टीवी है जो व्यू अल्ट्रा एंड्रॉइड टीवी, अगर उस टीवी को मैं कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि वो टीवी आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको वॉइस एनेबल रिमोट नहीं मिल जाता और वो एक मेजर माइनस पॉइंट लगता है मुझे इस टीवी का। क्योंकि अगर आप स्मार्ट टीवी ले रहे हो, अगर वॉइस एनेबल रिमोट नहीं मिल रहा है, वो फीचर नहीं मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपीरियंस आपको
नहीं मिल पाएगा। तो वॉइस एनेबल रिमोट तो रहना ही चाहिए मेरे हिसाब से, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है स्मार्ट टीवीज में। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये टीवी लेनी चाहिए या नहीं, तो 100% आपको ये टीवी लेनी चाहिए, लेकिन एक शर्त पे। शर्त वही होगी भाई, इसकी जो प्राइसिंग है व्यू की टीवी से कम होनी चाहिए। अगर व्यू के बराबर भी है तभी भी आप ले सकते हो, लेकिन अगर कम रही तो फिर भाई हमारे पैसे भी बच जाएंगे और एक अच्छा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी अगर हमको प्राइसिंग कम मिले। इसी के साथ ही साथ एक बात मैं कहना चाहूंगा भाई कि अभी तक कंफर्म नहीं कि भाई ये 6 अगस्त को प्राइम डे सेल पे अमेज़न पे जाएगा या नहीं। फिलहाल उसकी 4K सीरीज तो जाने वाली है, लेकिन फुल एचडी सीरीज का मुझे कंफर्मेशन अभी तक हाइसेंस की टीम से नहीं मिला है। फिर भी 6 तारीख को तैयार रहना भाई, नहा धोके एकदम मस्त। कि अगर आपको टीवी मिलती है और आप लेने का प्लान कर रहे हो तो बुक कर लेना, वेट मत करना, क्योंकि ये मैं 100% बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है, जैसा हमें व्यू की टीवी में देखने मिलने वाला, क्योंकि टीवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी डिमांड भी है। और अब यहाँ पे बात करते हैं क्विज कॉन्टेस्ट के बारे में। क्विज कॉन्टेस्ट एक्चुअली में हमारे सभी हैप्पी गाइड फैमिली मेंबर्स या जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए रखा गया है इस वीडियो को और ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम आपके लिए क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप कमेंट में सही जवाब दोगे उस सवाल का तो आपको हमारी तरफ से हैप्पी गाइड की तरफ से एक लाइक और हार्ट दिया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको फीचर किया जाएगा। तो पिछले बार मैंने सवाल पूछा था कि कौन सी टीवी में ट्राई एल्यूमिनियम डिस्प्ले यूज होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे व्यूअर्स, हमारे फैमिली मेंबर्स या फिर जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनका जवाब और ये पूछोगे उनके नाम। दोस्तों क्विज कॉन्टेस्ट का आज का सवाल है, LG और Samsung की टीवी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, जरूर बताना कमेंट करके। इसी के साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर कीजिए, हमारे हैप्पी गाइड चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया जरूर कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, काफी कुछ अपडेट भी मिल जाएगी। और हाँ, इंस्टाग्राम से मुझे एक बात याद आई कि अगर आप चाहते हो कि भाई ये टीवी जैसी भी स्टॉक में आती है, जैसे व्यू की भी आ गई या फिर हाइसेंस की आती है, आप चाहते हो कि हम आपको अपडेट कर दे, तो एक काम कीजिए, हमारी जो टीम है वो आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, DM कीजिए, वहां पे आपको बाइंग लिंक दे देंगे, तो आप वहां से परचेस कर सकते हो, तो ये हेल्प हमारी टीम की तरफ से आपको मिल जाएगी। तो बस इसी के साथ अलविदा लेते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय।